जितना भी जनता है आप लोग, हम लोग का जो APPSC इशू पे हम लोग का पान अरुणाचल जोन स्टेयरिंग कमेटी, जब से हम लोग को ग्यामर पादंग सार ये इशू को लीड करके आया है, तब से आप लोग देखा है कि PAGC किस तरह से हम लोग यहाँ पे वेल मेच्योरिटी का साथ पे इस इशू को लेके आया है। तो आज हम लोग DC ऑफिस पे आया है क्योंकि जब हम लोग ग्यामर पादंग, हम लोग का विसल ब्लोअर, हम लोग का जो स्टेट का हीरो जब गुजर गया था, थर्ड आई थिंक ये जो थर्ड मई में हम लोग एप्लीकेशन दिया था कि ये जो ग्यामर पादंग सार का जो लास्ट विल था कि उसका जो लास्ट जो एक विल था कि स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी उसका नाम पे जो 6 किलो का नीचे में हाईवे का एक जो जंक्शन है उसमें जो बीच हाईवे का बीच पे एक नो मेंस लेन है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, तो उसमें एक स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी वो जो सेक्रीफाइस किया है जनरेशन टू जनरेशन, इसका एक यादगार के तरफ पे और नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको इम्बाइब करना है कि जो सिस्टम का खिलाफ जहाँ पर अन्याय हो रहा है उसको आवाज़ उठाना है, बोल के वो उसका लास्ट जो उसका जो विल था वो रखे गया है। तो उसको हम लोग DC ऑफिस पे लास्ट जो टाइम पे थर्ड मई में हम लोग एक एप्लीकेशन दिया था कि वो प्लॉट को हम लोग को पादंग ग्यामर पादंग का नाम पे हम लोग को वो प्लॉट को LPC या जो भी अलॉटमेंट दे दीजिए और उसमें एक स्टेचू बनाने का परमिशन दीजिए। और बीच में हम लोग का आप लोग देखा है, हम लोग जब ग्यामर पादंग सार का जो घर पे हम लोग शोक मना रहा था ग्यामर पादंग सार का लास्ट राइज के लिए, उस वक्त में हम लोग का पेरेंट्स टीम हम लोग को नहीं पूछ के वो अपना दुख दर्द वो लोग भी नहीं सह सका क्योंकि गवर्नमेंट भी जो अपना बातों से पलट रहा था, इसलिए वो लोग बंद को डिक्लेयर किया। उसका चलते हम लोग को यहाँ पे एक फ्यूजिटिव्स की तरफ हम लोग को एक जंगल पे या जहाँ भी हम लोग को भगाने का कोशिश किया, लेकिन हम लोग भगा नहीं, हम लोग कैपिटल में ही था और हम लोग जो हम लोग का जो मुद्दा को हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाया। इसलिए आज हम लोग जब समय अभी माहौल शांति है, हम लोग का जो इशू को और हम लोग आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट ग्यामर पादंग का स्टेचू को ही लेके और उसके बाद में जहाँ हम लोग उसमें बनाएगा उसको हम लोग कल सोशल सर्विस के लिए परमिशन मांगने के लिए यहाँ पे आया था। सुबह भी आया है और शाम को भी आया है। आज हम लोग CM ऑफिस में भी आज हम लोग उसमें जाके अपॉइंटमेंट के लिए मांगा है CM को, पिछले बार भी हम लोग मांगा था और उसके बाद में आज हम लोग APPSC सेक्रेटरी ऑफिस में भी गया है स्टेटस को लेने के लिए इस इशू का। इसलिए जब हम लोग यहाँ पे आया है, सुबह से अभी तक हम लोग कुछ खाया ही नहीं, हम लोग का लड़का भी कुछ खाया नहीं, सुबह हम लोग इसको यहाँ पे रिसीव करा चुका था 24/7 देखिए। तो अभी हम लोग को यहाँ पे सर का कहना है कि हम लोग को नहीं मिल सकता है कि लेट हो गया, ये हो गया। और ये इस जो स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी को बनाने के लिए अभी जो बोल रहा है कि NOC ये चीफ इंजीनियर हाईवे से लेके आने के लिए, ठीक है, यस नो डाउट हाईवे से भी हम लोग NOC लेना चाहिए, लेकिन हम लोग का ये कहना है कि यहाँ पे जो हम लोग का कंटेंट को भी देखिए, हम लोग परमिशन भी मांग रहा है कि कल हम लोग सोशल सर्विस करेगा, इसको तो यहाँ से दे सकता है, इसको भी ये गो ट्रू नहीं क्या? इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑल दिस एप्लीकेशंस वो यहाँ पे लाइव जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है वो JEE से कैसे DC बना, अरे उसका लाइफ हिस्ट्री को यहाँ पे जानने के लिए तो सब बेहतर नहीं है ना, आप एक बुक पब्लिश कर दीजिए ना। यहाँ पे हम लोग कोई लोग विजिटर्स यहाँ पे बाहर पे 2-3 घंटा 6-7 घंटा रुका हुआ है, सुबह भी आएगा शाम भी आएगा, लेकिन वो अपना कहानी को वो करने के लिए यहाँ पे हीरो बनने का चक्कर में एक वीडियो यहाँ पे बना रहा है, अपना एक सिनेमा हॉल खोलने का चक्कर में DC ऑफिस को मिसयूज़ कर रहा है। यहाँ पे आप देखा होगा पब्लिक अभी जनता आप लोग यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, वेरेज हम लोग यहाँ पे भूखा प्यासा है या रुका हुआ है। इसलिए हम DC सर को भी रिक्वेस्ट करता है, आप एक ऑफिसर्स है, ऑफिसर का तरह ही रहिए, यहाँ पे हीरोगिरी करने के लिए कोशिश नहीं करना है। और पब्लिक को जब आप यहाँ पे पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है जो भी विजिटर्स आता है इक्वल टाइम आप देना चाहिए। आप किसी को 2-3 घंटा लाइव स्ट्रीमिंग करेगा अपना फ़ोन से मोबाइल से और किसी को आप 1 मिनट के लिए भी रुकने मिल नहीं सकेगा, तो हम लोग को मिलने के लिए डरता क्यों है? बीच में तो एरे को डिबेट करेगा बोल रहा था, हम लोग डिबेट करने के लिए नहीं आया, हम लोग यहाँ पे इशू को लेके आया, ग्यामर पादंग का यहाँ पे स्टेचू बनाने के लिए। ये मेरा डिमांड है, सब पब्लिक का डिमांड है, तो इसको तो एटलीस्ट 5 मिनट तक हम लोग को दे सकता था टाइम, लेकिन हम लोग को टाइम नहीं दिया। इसलिए हम लोग बहुत दुखी है, इतना बड़ा एक DC ऑफिसर्स होके जिस तरह से ये जो पब्लिक ऑफिस को चला रहा है, आई थिंक ऐसे नहीं करने से ठीक है। ये जो प्रोएक्टिवनेस बीच में जब बंद कॉल का समय में तो ये पूरा दिखा रहा था, इसी प्रोएक्टिव का जो टेम्पो को लेके अभी भी दिखाना चाहिए था ना। इसलिए हम लोग
जनता को अपील करता है कि नेक्स्ट बार अगर हम लोग को परमिशन मिलने से, शायद हम लोग को परमिशन नहीं देगा होगा, नहीं देने से भी हम लोग कल इंटीमेशन तो हम लोग दे दिया है, तो कल हम लोग और होने से भी उसमें हम लोग ये जो सोशल सर्विस करेगा पीएजेसी और ग्यामर पादंग का फैमिली, हम लोग जहाँ पे जो पब्लिक लोग भी उसमें हम लोग को साथ दिया है उस जगह पे हम लोग कल हम लोग 10 बजे से कल हम लोग बारिश हो या धूप हो उसको हम लोग सोशल सर्विस करेगा, शांतिपूर्वक हम लोग करेगा। वहाँ पे कोई भी यहाँ पे हम लोग एक्सपेरियंस या कोई भी उसमें आता है गाड़ी पार्किंग उसमें आप लोग अच्छा से कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग को पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ पे मेंटेन कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन जो मेंटेन कर रहा है हम लोग का वीकनेस को पकड़ने का कोशिश कर रहा है। कल को ऐसे ना हो कि उसमें पार्किंग भी तो अच्छा से नहीं करने से अननेसेसरी उसमें पुलिस फोर्स आके फिर जेल में उठा के लेके जाएगा, लेकिन हम लोग जितना भी करेगा हम लोग डेमोक्रेटिकली करेगा। इसलिए हम आम जनता से सबसे हम रिक्वेस्ट करता है कि कल आप लोग 10 बजे पॉजिटिवली 10 बजे पे आ जाइए, हम लोग पीएजे से हम लोग 9 बजे पे ही पहुंच जाएगा, उसमें पूरा जितना भी अपना हथियार लेके आइए, जो काम करने का हथियार ठीक है ना, काम करने का औजार आप लोग लेके आइए, दाऊ ऐसे जो उसमें थोड़ा साफ करना है, और उसमें उसके बाद में हम लोग कल उसमें पहले भी हम लोग बैनर लगाया था, कल भी हम लोग बैनर लगाएगा पादंग का जो स्टेचू किस वजह से बनाएगा, और पादंग का 2 बैनर उसमें लगाएगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो भी कल हम लोग को मदद करना है कल कीजिए, हम लोग यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम लोग का फंड सोर्स नहीं है, और हम लोग का जितना जो जो वर्क फोर्स भी है वो भी हम लोग का पास नहीं है। थैंक यू पूर्व जी। आप थोड़ा देर पहले प्रीतम सर ने मेंशन किया कि अभी जो आपने जो परमिशन लेटर जो उनको देना था तो उनका तरफ से तो आपको परमिशन नहीं, ये जो ऐसी है देखिए यहाँ पे NOC वहाँ से देने के लिए ये चीज़ को आप DC सर ऐसे भी किया जा सकता है कि ये जो एप्लीकेशन आया है DC सर अपना खुद भी चीफ इंजीनियर को यहाँ लिखा जा सकता है ना कि ये जो एप्लीकेशन पान अरुणाचल जोन स्टेयरिंग कमेटी से आया है ये एप्लीकेशन को आप यहाँ पे आप एक्शन लीजिए बोल के फॉरवर्डिंग कर सकता है ना, आप नहीं करके आप ऑफिस टू ऑफिस डोर टू डोर भेजने का यहाँ पे हम लोग को ज़रूरी नहीं है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है हम लोग भी जाएगा, लेकिन आप जब हम लोग यहाँ से सुबह से शाम तक यहाँ रुका हुआ है आप ये भी तो लिख दीजिए ना, नहीं होने से कल को उसमें हम लोग पीर जाएगा, पीर बोलेगा कि नहीं ये DC से भी परमिशन लेके आइए बोलने से, पीर होगा नहीं। लेकिन यहाँ से आप फॉरवर्डिंग तो कर दीजिए एप्लीकेशन को, लेकिन फॉरवर्डिंग भी नहीं करना चाहता है जी। और एक सवाल है जैसे कि आपने अभी जो लास्ट टाइम जो बिल्डिंग स्टैचू बिल्डिंग जो बात किया उसका जो फैमिली का, नहीं फैमिली का भी वही कहना है कि पादंग सार का अंतिम इच्छा हुई था कि वो जो है उसका नाम पे उस जगह पे, उस जगह को आप लोग सोशल मीडिया में देखा ही है कि वो अभी पूरा पब्लिक का डोमेन पे है कि उस जगह पे उसका नाम से स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी बनना चाहिए, और फैमिली भी उसको सपोर्ट करता है। वो है व्हिसल ब्लोअर एक्ट के लिए, नहीं व्हिसल ब्लोअर एक्ट को तो हम लोग इसलिए लेके आया था कि इसलिए हम लोग पहले जब ये इशू शुरुआत होते वक्त में हम लोग बोला है कि जो ग्यामर पादंग का जैसे है और कोई हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकता है, शायद सेंचुरी में भी शायद आने वाला समय पे नहीं कर पाएगा, और इसलिए वो जो एनकरेजमेंट है प्लस एक सिक्योरिटी जो कंसर्न है उसका मद्देनज़र हम लोग ये इशू को हम लोग बोला था कि ये इशू ये जो एक्ट है जल्दी लाना चाहिए, सो देट हम लोग का जितना भी अपार्ट फ्रॉम ग्यामर पादंग और भी यहाँ पे इनपुट देने वाला लड़का है लड़की है स्प्रेंट है और वो देखे भी रखा गया है, लेकिन बीच में ऐसे हो गया कि हम लोग का लड़का लड़की हम लोग का यहाँ सोसाइटी ही ऐसे है कि इनडायरेक्टली यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर आ जाता है। इसलिए हम लोग बोला था कि व्हिसल ब्लोअर एक्ट लाइए, अभी तक लाया नहीं है, यहाँ से आम जनता आप लोग पता चल जाना चाहिए 9 मंथ्स तक एक व्हिसल ब्लोअर एक नहीं ला सकता स्टेट गवर्नमेंट, और इसको भी क्या बोलेगा तचीपुर तदक नालो रुकाया पान अरुणाचल जॉइन स्टेयरिंग कमेटी रुकाया। अगर आप यहाँ पे लॉजिकल कंक्लूजन लाना चाहता है व्हिसल ब्लोअर एक्ट को आप जब सितंबर अक्टूबर में आप ला सकता था नवंबर में ला सकता था, उसके बाद में अनादर जो हम लोग का इनपुट है हम लोग दे सकता था, अभी हम लोग का एक्सपीरियंस का बहुत इनपुट है अभी देना ही नहीं चाहता, देगा तो किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ नहीं कराए SIC भी नहीं करा है CBI भी नहीं करा है ED भी नहीं करा है, और दे तो दे किसको। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट मॉनिटर प्रूव कीजिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग अभी कोर्ट में देगा। हमको इसका बारे में इतना जानकारी नहीं है, और उनका एप्लीकेशन में एक जो
6 किलो का बात कर रहा है, उसके लिए वो हमारा अंदर में नहीं है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अंदर में है, तो इसलिए वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को उन लोग अप्लाई करेगा, तो अगर वो लोग देता है तो ठीक है।